लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डॉक्टरों और नर्सों सहित चिकित्सा कर्मियों की भूमिका तथा जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी से सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह बात कही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डॉक्टरों और नर्सों सहित चिकित्सा कर्मियों की भूमिका तथा जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी से सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह बात कही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बजट सत्र की अवधि कम नहीं की जाएगी और यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 3 अप्रैल तक चलेगा। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत एवं योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं सकारात्मक योगदान के लिए मीडिया की काफी प्रशंसा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के संदर्भ में किए गए कार्यों को सामने लाने से डॉक्टरों, नर्सों, नगर पालिका कर्मियों, हवाई अड्डा कर्मियों, CISF एवं अग्रिम मोर्चे पर जुटे लोगों का मनोबल बढ़ता है। रूडी के अनुसार मोदी ने कहा कि ऐसे में हमें कोविड-19 से मुकाबला करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों का भी अभिनंदन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि सभी स्तर पर विभिन्न प्राधिकार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोविड-19 नहीं फैले। रूडी के कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि शनिवार एवं रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से बताया कि मीडिया ने काफी सकारात्मक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है।